आज मैं आपको लेह के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह कुमारवृत्त का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और हाईलाइटेड टॉपिक है और इस लेह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो चलो आज मैं आपको एक इजी वे में लेह का वर्णन करूँगा। स्टार्ट करने से पहले एक मेरी रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अब तक मुझको सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लेहन, सबसे पहले मैं लेह का अर्थ बताऊंगा। लेह मतलब होता है पोषण, मतलब बालकों का पोषण। हमें पता है कि बालकों का जो पोषण होता है वह माता या धात्री के स्तनने पर निर्भर होता है, परंतु अगर किसी कारणवश ऐसी अवस्था आ जाए कि स्तनने न मिल सके एवं बच्चों को स्तनने या दूध या क्षीर न मिल पाए तो बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा? उस अवस्था में बच्चे के भरण पोषण और उसकी मेधा और अग्नि को बढ़ाने के लिए हमें एज अ सप्लीमेंट और एज अ बूस्टर लेह देना है। आप इन शॉर्ट ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर माता या धात्री का स्तन्य न मिले किसी किसी अवस्था से, अगर ऐसी अवस्था बन जाए कि माता या धात्री स्तन्य का पान न करा पाए, उस अवस्था में हमें लेह देना है। तो चलो पहले पढ़ते हैं लेहन के योग्य, कि लेह के योग्य कौन कौन बालक होते हैं। सबसे पहले अशीरा जननी, मतलब जिस जननी या जिस माँ को शीर न होता हो, मतलब दूध की उत्पत्ति न होती हो। दूसरा दुष्ट शीरा जननी, जिसका शीर या जिस माता का शीर दुष्ट हुआ हो। एवं थर्ड है दुष्ट प्रजाता जननी, मतलब जिसका प्रसव ठीक से न हुआ हो। तो यह स्पष्ट है कि जिसका प्रसव ठीक से न हुआ हो उसका शीर भी कम ही उत्पन्न होगा, तो इस अवस्था में हम बालक को लेह देंगे। फोर्थ है व्याधि पीड़ित जननी, व्याधि पीड़ित जननी का मतलब है जब माता बहुत ही व्याधियों से पीड़ित हो, ज़्यादा व्याधियों से पीड़ित हो, तो उस अवस्था में जो माता का जो शीर होता है वो दूषित होता है और उस दूषित स्तन्य का सेवन करने से बच्चा बालक बीमार हो सकता है, तो हमें उस अवस्था में भी लेह देना है। वातपित दोष की अधिकता, जब वातपित दोष की अधिकता हो तो तब भी हम लेह देंगे। अनिंद्रा निशी, मतलब जब बच्चे को निंद्रा नहीं आ रही हो या वह रात में बहुत रोता हो, सोता नहीं हो, तो उस अवस्था में भी हम लेह देंगे। उसके बाद अल्प मूत्र पुरुष त्याग करे, अगर बच्चा अल्प या कम मूत्र या पुरुष त्याग करे तो ये सब हमने देंगे लेहन के योग्य। अब हम आगे देखेंगे लेह के घटक। तो हम लेह के घटक कैसे याद करेंगे? अवस्था के अनुसार या वय के अनुसार। सबसे पहले हम देखेंगे जो शीरप वय के बालक होते हैं उनमें हम क्या देंगे, फिर हम देखेंगे जो शीर अन्नाद होंगे उनमें हम क्या देंगे, फिर हम देखेंगे जो अन्नाद बालक होंगे उनमें हम क्या देंगे। तो इन सब में एक चीज कॉमन है, इन सब में हमको क्या देना है, घृत देना है। घृत देना है, से सिद्ध घृत देना है। अब किससे सिद्ध घृत देना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। शिरप अवस्था में हम आप ऐसे याद कर सकते हैं एज बीजेपी से सिद्ध घृत देना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एज बीजेपी क्या है, तो ये एक निमोनिक है याद करने के लिए। किन औषधियों से सिद्ध घृत देना है? अपामार्ग, शतावरी, भ्रमी, जटामांसी और पिपली। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो बालक शीरप वय के होते हैं उसमें हमें एज बीजेपी से सिद्ध घृत देना है, मतलब इन औषधियों से सिद्ध घृत देना है। अपामार्ग, शतावरी, भ्रमी, जटामांसी और पिपली। उसके बाद शीरनाथ, शीर अन्नाद में हमें पिपली, त्रिफला, ब्रह्मी और मधुक देना है, मधुक से सिद्ध घृत देना है। अन्नाद, अन्नाद में हमें मधु, ब्रह्मी और दोनों पंचमूल से सिद्ध घृत देना है। तो अब हम इसे कैसे याद कर सकते हैं? आप देखिएगा कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि एस बीजेपी से सिद्ध घृत देना है। अब आप शीर अन्नाद में हम ऐसे याद कर सकते हैं कि ये जो पिपली से एंड हुआ इससे हमें शुरू करना है। उसके बाद हमें क्या जोड़ना है इसमें, त्रिफला, भ्रमी और मधु। अब हमने इसमें एक जोड़ा, लेकिन अब हम अन्नाद में आएंगे तो हमें ये लास्ट के दो जोड़ने हैं, तो अब हम इन दो से शुरुआत करेंगे। बस इसमें हमें ये दोनों पंचमूल ऐड कर देने हैं। समझ में आ गया?
होप करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब है लेह के नाम। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हम लेह के नाम कैसे याद कर सकते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक इसके लिए निमोनिक मैंने बनाई है कि कल काश्यप और ब्रह्मा पांचों गायों को साथ साथ लाए, मतलब उनकी गायें जंगल में, आप ऐसे समझ सकते हैं कि उनकी गायें जंगल में चारा चरने गई हुई थी, लेकिन कल वो उन पांचों गायों को साथ साथ लेकर आ गए। तो ऐसे याद करिएगा कि कल काश्यप और ब्रह्मा पांचों गायों को साथ साथ लाए। तो हम अब इससे कैसे याद करेंगे, क से कल्याण घृत, फिर क से काश्यप घृत, काश्यप उत्कृत, फिर अ से अष्टांग घृत, फिर ब्रह्मा से ब्रह्मी घृत, फिर पांचों गायों से पंचगवे घृत, फिर सात सात से सात स्वत घृत, और फिर संवर्धन घृत। ठीक है, तो ये आपके लेह के नाम हो गए। अब मैं आपको बताऊंगा कि इनमें जो कल्याण घृत है, काश्यप उद्घृत है, ब्रह्मी घृत है और काश्यप पंचगवे घृत है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेह है। तो इनका मैं वर्णन आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, चलो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कल्याण घृत। तो कैसे याद करेंगे इसके घटक, हमें याद करना है कि जो कल्याणक घृत के निर्माण या इसे बनाने के लिए कितनी औषधि का प्रयोग किया जाता है। तो हमें सिर्फ ये याद करना है कि कल्याणक घृत बनाने के लिए 28 औषधि का प्रयोग किया जाता है, जिनमें से कुछ निम्न प्रकार से है, हरिद्की, विभेदकी, आमलकी, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, दंती मूल, लाल चंदन, नाग केसर, कूट, देवदारू, तगर, प्रियंगू, नीलकमल, अनारदाना आदि। तो 28 औषधि याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो लेकिन आप इतनी, ये जितनी भी औषधि है इतना आप याद कर सकते हैं। अब इतनी औषधि भी आप कैसे याद करेंगे, तो ये भी आप देख लीजिएगा कि हरिद्की, विभिदकी, आमलकी तो कॉमन ही है, उसके बाद हमें हरिद्रा से शुरू करना है। हरिद्रा, अब हरिद्रा का एंड होता है द से, अब हम द से शुरू करेंगे दारू हरिद्रा, फिर दारू हरिद्रा का एंड होता है द से, फिर हम द से स्टार्ट करेंगे दंती मूल, अब ल का, फिर दंती मूल ल से एंड होता है, फिर हम देखेंगे लाल चंदन, फिर न से एंड होता है, फिर नाग केसर, और फिर क से कूट। तो इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं। उसके बाद अब आप देखेंगे इन सब औषधि, जितनी भी 28 औषधि है, उनको प्रत्येक अवधि औषधि को हमें एक एक कर्श लेना है, उसमें हमें क्या मिलाना है, एक प्रस्थ घी। एक प्रस्थ घी मिलाने के बाद हमें उसमें चार प्रस्थ जल डालकर उस घृत का पाक करना है। ठीक है, सबसे पहले 28 औषधि लेंगे, सब औषधि को एक एक कर्श लेंगे, उसमें फिर हम एक प्रस्थ घी डालेंगे, और उस एक प्रस्थ घी डालने के बाद हम उसे चार प्रस्थ घी में, जल में डालने के बाद उस घृत का पाक कर देंगे। तो ये है हमारा कल्याणक घृत। अब मैं आपको बता दूं कि जो एक कर्श होता है वो 10 ग्राम के बराबर होता है, मतलब आपको हर एक औषधि 10-10 ग्राम लेनी है, और एक प्रस्थ होता है 640 ग्राम, मतलब आपको 640 ग्राम घृत लेना है और जल लेना है 640 ग्राम इंटू 4। अब ये जो घृत है, ये ज्वर, श्वास, अग्निमान, बवासीर, पांडु, उन्माद, प्रमेह आदि रोग को दूर करता है। अब मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि जो ये कल्याणक घृत है, ये एज अ रसायन भी हम यूज़ कर सकते हैं, और जितने भी जरक चिकित्सा स्थान में व्याधियाँ बताई गई है, जो 30 व्याधियाँ बताई गई है, उनमें मैक्सिमम की चिकित्सा में हम कल्याणक घृत का प्रयोग करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रसायन भी है और लेह भी है, तो आप इसे मैक्सिमम चिकित्सा में यूज कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आता है किसी भी चिकित्सा का, तो आप कल्याणक घृत लिख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। काश्यप उद्घृत, काश्यप उद्घृत में क्या करेंगे हम, इसमें हमें पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठना है, और दो पत्थर लेने हैं जिसमें थोड़ा सा जल डालने के बाद उसमें स्वर्ण को घिसना है, फिर उस घिसे हुए स्वर्ण को, स्वर्ण में थोड़ा मधु और घृत मिलाना है, यह स्वर्ण पराशन भी कहलाता है, और जो कि मेधा, अग्नि और बल को बढ़ाता है। तो काश्यप ने क्या बोला है, काश्यप ने, आप ऐसे याद कर सकते हैं, स्वर्ण पराशन के बारे में बोला है।
स्वर्ण पराशन में अब हम क्या करेंगे, पूर्व दिशा की ओर मुंह करना है, दो पत्थर में थोड़ा पानी डाल के स्वर्ण को घिसना है और उस घिसे हुए स्वर्ण में थोड़ा घृत और मधु मिला के बालक को देना है। और अगर वो देने के बाद बालक क्या होता है, 6 महीने में मेधा अग्नि और बल को बढ़ाने वाला होता है और वो बहुत ही बुद्धि वाला बन जाता है जो बालक होता है। अब हम थर्ड देखेंगे ब्रह्मीघृत। ब्रह्मीघृत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो अब हम इसके घटक कैसे याद कर सकते हैं। ब्रह्मीघृत में आप ऐसे याद कर सकते हैं, इसकी एक निमोनिक है कि ब्रह्मा जी के शंख को देखकर बच्चा खुश हुआ, मतलब ब्रह्मा जी के शंख को देखकर बच्चा खुश हुआ। अब इससे हम याद कर सकते हैं भ से ब्रह्मी स्वरस, श से शंख से शंख पुष्पी, ब से बच्चा और खुश से कुष्ठ। तो ये 4 घटक हैं। प्रत्येक के कल के साथ गौघृत का विधि पूर्वक पाक करना है, हमें इन सबका कल्क बनाना है और गौघृत का विधि पूर्वक पाक करना है। इससे उन्माद, अलक्ष्मी, अलक्ष्मी मतलब जो माता बच्चों की स्किन पे जो माता निकल जाती है, अपस्मार और जितने भी पाप जन्य रोग है उसका नाश करता है यह घृत। तो यह एज अ लेह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है पंचगवय घृत। अब पंचगवय से नाम याद से नाम से हो रहा है 5 गाय के, जो गाय से हमें मिलता है। क्या क्या हो गया, गाय का गोबर का रस, मूत्र, फिर दूध, दही और घृत। इन सबको संभाग लेकर विधि पूर्वक पाक करना है, का पाक करके हमें उसका सेवन करना है, मतलब लेह देना है बच्चों में। इस लेह से बच्चों में अग्नि और मेधा की वृद्धि होती है। तो ये था लेह के बारे में, होप आपको ये समझ में आया होगा और आप इसे अच्छे से समझेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि और भी आपके लिए अच्छी वीडियो बनाता रहूँ। तो कीप सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।